गाइज कुछ बंदे जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं। देखिएगा साउल डैडी यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर है, डी नाइजी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर प्लेयर है, जेरी ग्रैंड मास्टर प्लेयर है, सिबू भाई ग्रैंड मास्टर प्लेयर है और यहाँ पर देखिएगा मिस्टर समीर ये ग्रैंड मास्टर प्लेयर है। गाइज क्या लगता है आपको, ये बहुत बड़े 30 मार्क हैं, ये एकदम हेडशॉट पे हेडशॉट मारते हैं जिससे कि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर प्लेयर बन के बैठे हुए हैं। क्या इनका गेम प्ले बहुत ओपी टाइप का है, आप क्या इनकी तरह से नहीं खेल सकते? गाइज बिल्कुल खेल सकते हैं, जी हाँ दोस्तों आप भी एक ही दिन में ग्रैंड मास्टर प्लेयर बन सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में ग्रैंड मास्टर प्लेयर बन सकते हैं। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सा करेक्टर लेना है। ठीक है, करेक्टर लेने के बाद उसमें कौन कौन सी पैसिव स्किल्स को ऐड करना। तो गाइज हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करने वाले हैं डीजे आलोक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि डीजे आलोक में आपको कौन कौन सी पैसिव स्किल्स लगानी है। ठीक है, पैसिव स्किल्स देखिएगा, आप तभी ग्रैंड मास्टर प्लेयर पहुंच पाएंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बरमूडा रैंक। ठीक है, बरमूडा रैंक में ये वाले जो पैसिव स्किल्स हैं ये आपके काम आने वाले हैं, ना कि सीएस रैंक मैच के। ठीक है, तो बरमूडा रैंक मैच में आपको ग्रैंड मास्टर पर पहुंचना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज गहराई से समझा दिया गया। ठीक है, तो डीजे आलोक लेने के बाद आपको यहाँ पर लेना है पहला करेक्टर, वो है मैक्सिम। ठीक है, मैक्सिम की स्किल को आपको ऐड करना है। इसके बाद गाइज आपको ऐड करना है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये थीवा करेक्टर। ठीक है, थीवा करेक्टर की स्किल को आपको ऐड करना है। गाइज मैं इसके बाद को ये भी बताऊंगा कि ये इन करेक्टर की स्किल को आपको क्यों ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ऐड करना है फोर करेक्टर की स्किल को। ठीक है, आपको इन तीनों पैसिव स्किल को ऐड करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो मैक्सिम की स्किल हमने ये लगाई, ये आपको जो 40% एक्स्ट्रा हेल्प करेगी आपको मेडिकेट मारने में। ठीक है गाइज, मेडिकेट मारने में 40% एक्स्ट्रा हेल्प करेगी। फिर इसके बाद ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने थीवा करेक्टर की आपको स्किल बताई। यहाँ पर गाइज आपको थीवा करेक्टर इसलिए बताया क्योंकि ये स्पीड तो देता ही देता है, बाद बाकी आपको एचपी भी देता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको थीवा करेक्टर की स्किल बताई। ठीक है गाइज, तो अब देखिएगा यहाँ पर आपको लगानी है फोर्ड। फोर्ड करेक्टर की स्किल इसलिए लगानी है क्योंकि ये आपको जोन के डैमेज से बचाता है। ठीक है, जोन के डैमेज को कम कर देता है। ठीक है, तो जब जोन के डैमेज को कम कर देता है तो आप बोलोगे भैया जोन के डैमेज वाला यहाँ पे बता दे, लेकिन गाइज रुको जरा सबर करो, मैं आपको हर एक चीज़ गहराई से बताने वाला हूँ। तो ये तीन स्किल लगाने के बाद आपको क्या करना है, पैट लेना है। कौन सा पैट लेना है देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा पैट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर रॉकी पैट ले लेना है। ठीक है, रॉकी पैट लेने के बाद गाइज आप देखिएगा रॉकी पैट का क्या कमाल होता है, ये आपके जो ये आपने डीजे लोग लिया ना, इसका जो काउंटडाउन होता है यानी कि चार्ज होने का काउंटडाउन होता है उसको घटा के कम कर देता है, यानी कि 15%। तो 15% गाइज आपका डीजे लोग जल्दी चार्ज हो जाएगा। और बाद बाकी रही ये तीन स्किल्स, ये तो भैया कमाल की है ही। आपको अब क्या करना है, आपको बरमूडा रैंक को कैसे पुश करना है, कैसे आपको ग्रैंड मास्टर प्लेयर तक पहुंचना है, वो भी एक दिन में देखिएगा। आप चाहे तो आप गाड़ी पे सवार हो जाए, कोई भी बाइक ले लीजिएगा जो जिसमें गोली का डैमेज कम पड़े, या फिर आप घरों में छुपते छुपते रहिएगा। ठीक है, आपको करना क्या, एक बैग लेना है लेवल 3 का। ठीक है, और उसके बाद एक ही गन लेना है और कुछ ही गोलियां लेनी हैं जिससे कि आप एक बंदे को आराम से समेट सकें। ठीक है, और आपको अपने बैग में क्या भरना है, 2 ग्लोबाल। ठीक है, 2 ग्लोबाल को मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा। और इसके बाद गाइज आपको लेना है मेडिकेट, जितनी मेडिकेट हो सके उतनी मेडिकेट अपने बैग में भर लीजिएगा जितनी भर पाएँ। ठीक है, को रहना सिर्फ जोन में ही रहना है, तो जोन में रहने का यही फायदा है कि ये जो अपना फोर्ड करेक्टर है जोन के डैमेज को कम करेगा। मैक्सिम करेक्टर है गाइज, मैक्सिम करेक्टर आप जल्दी से यहाँ पर मेडिकेट मारेंगे और उस मेडिकेट मारने में मदद करेगा अपना थीवा करेक्टर, और उसकी स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ आपको एचपी भी देगा। और डीजे आलोक तो भैया आपकी लगातार एचपी देता ही रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि आपने ले रखा है यहाँ पर रॉकी पैड जो कि इसके काउंटडाउन की स्पीड को कम कर देता है। ठीक है, तो गाइज यही कुछ करना है आपको, और आपको रहना है सिर्फ और सिर्फ जोन में। ठीक है, जोन में रहने पर आप लगभग 2 या 3 पे पहुंच जाएंगे, इसके बाद हो सके थोड़ी सी लड़ाई कर लीजिएगा और आराम से भुइया ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप ग्रैंड मास्टर प्लेयर बन सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना ताकि हमारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।